अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप के सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जो आज का व्लॉग है ना, उसमें मैं आपसे बेला के बारे में शेयर करूंगी। बेला दो दिन पहले जो है ना भाग गई थी, और हमने कहा कि बस गुम हो गई, अब नहीं मिल रही। हमने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, मेरे बच्चों ने, मैंने, तो दो दिन के बाद फिर ये खुद ही आ गई। लेकिन आने के बाद ना कुछ अजीब सी हुई हुई थी, ना कुछ खा पी रही थी, और इसका एक हाथ भी ज़ख्मी हुआ हुआ था, नाखून इसका डैमेज हुआ हुआ था। पता नहीं वहाँ से भागी है, लटकी है, दीवार से गिरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मतलब बहुत अजीब सी इसकी कुछ हरकतें थी, समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको क्या हुआ है ना। तो फिर हमने सोचा कि इसके लिए ना हम एक मेल कैट ले आते हैं, ताकि जो है ना ये बाहर ना जाए। और फिर चलो उसके साथ एक तो इसकी जोड़ी भी बन जाएगी, और फिर उसके साथ खेल लिया करेगी। तो फिर हमने शुक्र किया कि आ गई, क्योंकि बच्चे और हम काफ़ी परेशान हो गए थे, बच्चे काफ़ी अटैच हैं इससे। तो रो रहे थे और कह रहे थे कि बस हम इतना प्यार करते हैं, लेकिन वो फिर भी भाग गई। बेला को हमसे कोई प्यार ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि यार आ जाएगी, मिल जाएगी, बस तसल्ली दे रही थी। मुझे भी लग रहा था कि शायद ना ही आए ना, लेकिन खुद ही फिर आ गई। तो शुक्र है आ गई थी। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ी देर बेला को खिला रही थी, ये रिंग्स है ना उसके साथ, ये वो शौक से खेलती है स्कॉश टेप का। तो ये अजीब सी इसकी कोई तबीयत थी, बोले जा रही थी। तो मैंने कहा कि चलो इसको थोड़ी देर खिलाते हैं, थोड़ी सी ये मसरूफ़ हो जाए, थोड़ी सी ना इसका फ्रेश हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो है ना साथ साथ बस अपने आप को लिक कर रही है, और साथ साथ जो है मैं इसको खिला रही थी। तो बच्चों के बड़े अजीब से रिएक्शन थे, रो रहे थे। तो मैंने कहा अभी यार वो मैं आपको दिखा नहीं सकती। वो मोमेंट जब ये आई तो बहुत ही खुश हुए बच्चे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रात को मिली, फिर सुबह जो है ना हमने बच्चों को बताया। तो आज मैं सफाई सुथराई करवा रही थी सुबह में, क्योंकि आज मेरी सिस्टर ने आना था, क्वेटा से आई हैं, तो कोई शादी थी उनकी ससुराली फैमिली में, तो वो फिर उन्होंने हमारी तरफ भी आ जाना था। तो उनका फ़ोन आया कि आज हम आएंगे, तो मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी से घर साफ़ कर लूँ, बस जल्दी जल्दी में जो कुछ भी मैंने उनके लिए खाने में बनाया, क्योंकि फिर सफाई सुथराई करो और खाना बनाओ तो टाइम ही नहीं होता। तो मैं जब भी कोई मेहमान आने होते हैं, मैं उनसे कहती हूँ मुझे एक दो दिन पहले बताया करो, ताकि जब मैं कुछ प्रिपरेशन कर लूँ खाने की पहले से। तो बस जल्दी में फिर मैंने बिरयानी वगैरह बनाई उनके लिए, सैलेड, रायता और दूध वाली सेवइयां बनाई थी। मेरे बड़े पापा आए हुए थे साथ में, यानी कि मेरे ताया अब्बू, उनको हम बड़े पापा बोलते हैं, और फिर सिस्टर थी, उनके बच्चे थे। तो अभी ये लोग खाना खा रहे थे, दोपहर में पहुँचे थे। तो मैंने फिर बिरयानी तो मेरे खाने में ज़रूर होती है, मस्ट होती है, क्योंकि सबको ही पसंद है, मेरे ससुराल में भी और मायके में भी सब बिरयानी शौक से खाते हैं, और बच्चे दूध वाली सेवइयां बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा चलो ये साथ में बना लेती हूँ। तो ये इसके बच्चे भी हैं, ये बड़ी बेटी है इनकी, तो माशाल्लाह से तीन बच्चे हैं इनके, दो बेटियां और एक बेटा है। तो फिर शाम कुछ खाना वगैरह खा के हम बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो सिस्टर मेरे लिए ये लाई थी गिफ्ट्स वगैरह, मेरे लिए सूट लाई थी, ये ड्रेस है, और मैं इसको कह रही थी खोल के दिखाओ, मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊं भाई कैसा ड्रेस लाई है। तो ये ब्रोशिया जिकॉर्ड पे बना हुआ था, बहुत प्यारा सा इसका कलर है, प्लम कलर है, फालसा कलर भी जिसको बोलते हैं, तो इस तरह का कलर है, और पिंक कलर का इसका दुपट्टा है, डीप पिंक कलर का। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा ड्रेस था। मैंने कहा चलो जी मैं ईद पर सिलवाऊँगी इसको। और साथ बच्चों के लिए चॉकलेट थी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह था, और जो है अपनी तरफ से लाई थी जो कुछ भी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा था सब कुछ। तो इसके बाद जी फिर हमने गप्पे वगैरह लगाई, फिर सुबह के नाश्ते में मैंने इनके लिए जो है ना हलवा पूड़ी बनाई थी घर पे, तो उन्हें बहुत पसंद आई कि आपने बहुत मज़े की हलवा पूड़ी बनाई है। साथ मैंने अंडे वगैरह फ्राई किए थे, और ये आलू की भाजी बनाई थी, भुजिया, आलू की भुजिया जो होती है वो, ये अच्छी लगती है इसके साथ आप बनाए ना हलवा पूड़ी में। तो फिर चने मैंने नहीं बनाए थे, तो मैंने ये ना आलू की भुजिया बना ली। तो हम गर्मा गर्म नाश्ता भी इंजॉय करेंगे, अभी हम करते हैं गर्मा गर्म नाश्ता इंजॉय। और आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा,
और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। और अब कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा अपनी राय से। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।